का पानी आप देख सकते हो, कितने सारे पाइप लगे हैं, कुलिया बनी हुई है, पाइपों में से पानी आ रहा है। हेलो एवरीबॉडी, दोस्तों स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों काफ़ी दिन हो गए मैं ब्लॉगिंग की वीडियो नहीं बना पाया, और आज मैं लगभग 10-15 दिन बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। और काफ़ी दिन हो गए मैं कहीं गया भी नहीं वीडियो बनाने भी। चलो आज शुरुआत करता हूँ ब्लॉगिंग की वीडियो की, और अभी आपको स्पाइडर से भी मिलाते। अभी बुलाता हूँ इसे। स्पाइडर स्पाइडर इधर आ, स्पाइडर देखो कैसे देख रहा है। अभी 1-1.5 महीने का हो गया है, इसे 5 जनवरी को लाए थे मेरठ से। अभी इस टाइम सो रहा है, देखो कैसे लेटा हुआ है। दोस्तों यहाँ से रास्ता बंद है, इसलिए हमें शॉर्टकट यहाँ से निकलना पड़ रहा है, लाइन से मोटरसाइकिल निकाल के। और पीछे मैं भी हूँ पैदल पैदल, यहाँ से हमें काफ़ी शॉर्टकट बन जाता है। चलो आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ एक मंदिर और मस्जिद एक साथ हैं, आप देख सकते हो, ये बिल्कुल लाइन के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। आगे चलो एक आईजल फैक्ट्री दिखाते हैं। देखो औरतें कैसे घास ले जा रही हैं सिर पे रख के, ये भी बड़ा मुश्किल का काम है, और लगभग 3-3 किलोमीटर पैदल चलती हैं। अभी आगे देखो दो औरतें और आ रही हैं, सिर पे लकड़ी रखी हुई हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। आप देख सकते हो सामने 3-4 औरतें और आ रही हैं, और यहाँ देख सकते हो आप फसल कितनी अच्छी खड़ी है गेहूँ की। यहाँ एक गुलजार भी आया हुआ, काफ़ी 2-3 महीने हो गए यहाँ से जा नहीं रहा, लगभग 2-3 दिन दिखाई देता रहता है। ये फैक्ट्री का इलाका बढ़ जाता सारा, इधर आप देख सकते हो। अभी आपको और आगे लेके चलते हैं, रास्ता बहुत गंदा हो रहा है क्योंकि यहाँ करेशर वालों के वाहन निकलते हैं ना, चलो इसलिए रास्ते ख़राब होते रहते हैं। दोस्तों इस टाइम हम आईजल फैक्ट्री में, इसे ग्लाइको फैक्ट्री बोलते हैं। यहाँ खाद पहले बनती थी, अब बंद हो गई क्योंकि यहाँ गंदा पानी छोड़ा जाता था, इसलिए फैक्ट्री बंद हो गई। अभी आपको अंदर दिखाते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा है जो अब इन्होंने भरान कर दिया राख से मिट्टी से, अभी पूरा भर दिया, अभी आपको दिखाते हैं। और यहाँ दोस्तों गुलजार आया हुआ है 2-3 महीने से, यहाँ से जाने का नाम ही ले रहा क्योंकि थोड़ा जंगली इलाका पड़ जाता ना, जंगल टाइप का। अभी आपको पेड़ दिखाते हैं, यहाँ पेड़ भी काफ़ी घने घने, आप मेरे सामने देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, और आप यहाँ देखो बिजली का खंभा। यहाँ ये ऑफिस बना हुआ है, रात को जो गार्ड रुकते हैं उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ चोरी ना हो जाए। दोस्तों यहाँ पहले बहुत बड़ा गड्ढा था, इसे भरने में लगभग 1-2 साल लग गए इन्हें, ये पूरा बंद कर दिया, और आगे काफ़ी घने पेड़ हैं। दोस्तों आप साफ देख सकते हो कितनी अच्छी जगह लग रही है, ये सब फैक्ट्री के पेड़ हैं। ये पहले तो इसमें यहाँ बहुत घने ज़्यादा पेड़ थे, अब तो बहुत कम कर दिए, यहाँ तो बहुत ज़्यादा जानवर दिखाई देते थे पहले, जंगली सुअर और भी बहुत जानवर। सामने आप देख सकते हो करेशर है, आप दूर से ही देख सकते हो कैसे बड़े बड़े चट्टे लगे हुए हैं मिट्टी के, और ये बांस खड़े हैं, और आप सामने देख सकते हो क्रेशर चल रहा है, क्रेशर के अंदर पॉपलाइन भी चल रही है। दोस्तों ये एक छोटी सी नदी है जिसे हम पथरी वाली नदी बोलते हैं, यहाँ इतना सही पानी चलता रहता है 24 घंटे, कोई अपने खेतों में भी लगाते हैं, और काफ़ी ये नदी में जाता है सीधा पानी, काफ़ी राहत मिलती है इस पानी से। और सामने आपको फैक्ट्री दिखा दी, अब उससे थोड़ी सी और आगे चलते हैं हमारे खेत में हमारा घर है वो दिखाते हैं आपको, चलो मिलते हैं आगे। ये जो पत्थरी का पानी
काफी लंबे लंबे पाइप हैं, बहुत ठंडा पानी है दोस्तों, काफी ठंडा पानी है। और देखो आप, और पानी बिल्कुल साफ है। देखो सामने से भोले आ रहे हैं, ये थोड़ा रास्ता शॉर्टकट पड़ जाता है इसलिए इस रास्ते से आ रहे हैं। हाँ जी, जय भोले की। आप देख सकते हैं हरिद्वार से आ रहे हैं, लगभग 170 किलोमीटर का रास्ता सफ़र कर चुके हैं। जय, अब ये सीधा आगे निकलेंगे यहाँ से सुल्तानपुर पट्टी, आगे एक नदी पड़ेगी, नदी में से निकल के जाएंगे सीधा सुल्तानपुर पट्टी। और ये हमारे संजय भाई बैठे हैं, अभी भोले अभी आगे काफ़ी आएंगे, अभी तो लगभग 3-4 दिन का टाइम है। और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी हरियाली है, फसल है, खंबा कितना बड़ा है आप देख सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो ये गन्ने की फसल लगाई जा रही है, ये सामने गन्ने के टुकड़े पड़े हैं और ये गूले बना रखी, उसमें एक एक करके गन्ना डाल रहे हैं और बना रहे हैं। और ये आगे ये स्प्रे करने वाली मशीन, और ये लेबर लगी हुई है, ये गोलों में गन्ने डाल के और इसे बराबर कर देंगे। ये सामने फसल खड़ी है। दोस्तों इस टाइम हम अपने खेत में आ चुके हैं और ये सामने हमारे ताऊ जी का घर है, और आगे हम अपने घर की तरफ लेके चलते हैं। ये हमारे कुछ आम के पेड़ काफ़ी सूख गए हैं, इन्हें क्रेशर वालों ने गंदा पानी छोड़ दिया था जिसकी वजह से हमारे काफ़ी पेड़ सूख गए हैं। देख सकते हो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा मौसम है, वातावरण भी शुद्ध है। ये हमने एक चुग्गी बनाई है जानवरों के लिए, और सामने हमने अपने घर के सामने एक झंडा लगाया है, आप मेरा घर सामने देख सकते हो। बहुत प्यारा घर लग रहा है। दोस्तों गेहूं भी पानी लगाने वाली हो गई है, और दोस्तों हमारा पाइप थोड़ा कम पड़ रहा है इसलिए हम पाइप लेने जा रहे हैं, क्योंकि गेहूं को पानी लगाना ना। और अभी हम पाइप लेने जा रहे हैं, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है कुंडेसरी, कुंडेसरी से हम पाइप लेके आएंगे और फिर पाइप यहाँ रख देंगे, मेरे पापा ये गेहूँ को पानी लगाएंगे और पेड़ों को भी। चलो आगे चलते हैं कुंडेसरी। दोस्तों ये सामने देख सकते हो कैसे खदान लगा हुआ है, कैसे गड्ढे लगे हुए हैं, ये खनन की बदौलत है, लोगों ने यहाँ काफ़ी खनन करा था ना पहले, उसकी वजह से गड्ढे हुए पड़े हैं। और ये इधर भी आप देख सकते हो, इसलिए रास्ते यहाँ बहुत गंदे हैं। आम के पेड़ लगा रखे हैं, देखो और ये गन्ना लगा रखा है यहाँ, ये गेहूं में स्प्रे हो रही है। दोस्तों इस टाइम मैं घर पे आ चुका हूँ, और इस टाइम अब ले जा रहा हूँ मैं अपने लड़कों को ट्यूशन पे छोड़ने, नवनीत को ट्यूशन पे जा रहे हैं, और ये मैं छोटे लड़के को भी साथ में लाया हूँ। और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, आज के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय कल।